नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर तक मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने विभव की गिरफ्तारी को ऑपरेशन झाड़ू से जोड़ दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रखा है और आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी होगी, पार्टी को खत्म करने की कोशिश होगी। केजरीवाल ने जहां विभव की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध किया, तो वहीं स्वाति मालीवाल को लेकर चुप्पी साध ली उनकी पार्टी के दूसरे नेता। हालांकि अब खुलकर स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जो अरविंद केजरीवाल निर्भया कांड के बाद राजनीति में आगे बढ़े, जिन्होंने जोरदार आंदोलन किया, वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आखिर खामोश क्यों हैं? स्वाति के आरोपों पर कार्रवाई के बदले उनकी पार्टी पलटवार क्यों कर रही है? सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली की चुनावी लड़ाई में मालीवाल से बदसलूकी का आरोप एक बड़ा मुद्दा बनेगा? आज की बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले जरा वार पलटवार। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, कह रहे आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती, इसलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए। इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को, इतना बड़ा साजिश करता। केजरीवाल जी के पास अब कुछ बचा नहीं है, जिस तरह का नाटक कर रहे हैं उनकी उजारी को लोग जान गए हैं कि भ्रष्टाचार की बात करके वो आए थे और अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। महिलाओं को उनके स्टाफ पीटते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? लेकिन डेली उनकी कलाई खुल रही है ना। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बना। मुख्यमंत्री जी सड़क पर बैठे हैं उनको मारने वाले के साथ देने के लिए, क्या वही स्वाति उनकी सगी बेटी या बहन होती तब क्या करते उन्हों? जो उनको 10 साल से गालियां दे रहे थे आज वो स्वाति मालीवाल की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। क्यों लड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी वो लड़ाई? जाहिर सी बात है, राजनीतिक फायदा। में जब निर्भय कांड हुआ था सब लोग मिलकर उंगलियां उठा रहे थे तो एक कानून बन गया, तो उस कानून के तहत आज कम से कम ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी बात को प्रामाणिक रूप से, प्राथमिक रूप से सच मानते हुए जिस पर ये उंगली उठाई जा रही है उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस महिला ने कहा है वो सच नहीं है। तो विभव कुमार को जो ले गए ये उस कानून के तहत है। सवाल यही है कि क्या मालीवाल के नाम पर अब दिल्ली का संग्राम शुरू हो गया है और ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, उसके बड़े नेता, उनके कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए और विभव कुमार की गिरफ्तारी का भी वो विरोध कर रहे थे, ऐसे में सवाल कई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत आदिल खान आपके साथ, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में ये जो 13 मई की ये घटना है, एक महिला नेता आपकी पार्टी की जो आपकी पार्टी में सालों से अपनी सेवा दे रही थी, उनकी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई जाती है, उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाया जाता है, बजाय इसके कि आप लोग उस मामले को गंभीरता से लें,
आप इसे ऑपरेशन झाड़ो से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? देखिए शिरीन जी, ये साफ तौर पर ये ऑपरेशन झाड़ू ही है, और ऑपरेशन झाड़ू जो चलाया जा रहा है इस देश के अंदर, उसमें तीन चीजें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। पहली बात कि आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, जेल में डाल के इस पार्टी को खत्म कर दो। दूसरा, ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया जाए, और ये हम नहीं कहते, ये ईडी के वकील ने कहा, और वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद हम आम आदमी पार्टी के अकाउंट को सीज कर देंगे, अगर अभी करेंगे तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में इनको सिंपैथी मिलेगी। और तीसरी बात, ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर को खाली कराया जाए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चुनाव के बाद खाली करने की इनकी कराने की इनकी तैयारी है, तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, इस विचारधारा से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब उस आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, इसको न दबाया जा सकता न इसको खत्म किया जा सकता। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 1000 अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार। मेरा सवाल आपकी महिला नेता से जुड़ा हुआ था, स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ था, आपने भी उस पर कुछ नहीं बोला और यही चुप्पी केजरीवाल ने भी साधी हुई है। ठीक है, आप क्योंकि आरोप लगा रहे हैं तो एक मिनट पहले शाजी अलमी से इसका एक मिनट आती हूँ, एक एक करके कमेंट ले लूं, शाजी अलमी इस पर जवाब देंगी, क्योंकि आपकी तरफ से ये बड़ा आरोप है ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है। और शाजी अलमी, ये तो आम आदमी पार्टी अब खुले तौर पर कह रही है कि आप लोग इतना डर गए हैं आम आदमी पार्टी से कि पूरी तरीके से क्रश करने में उसे जुट गए हैं, ये तैयारी उसी की है। शिरीन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, भाजपा के इस अभी तक कितने सांसद हैं? 303। आम आदमी पार्टी के कितने लोकसभा सांसद हैं? शून्य। तो आपको लगता है कि 303 वाली पार्टी डरेगी? शून्य जिसके हो सांसद, ये भ्रमित हैं, किसी और दुनिया में रह रहे हैं, अपने को केंद्र बिंदु बना दिया इन्होंने, और इनका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी को इनकी फिक्र है, ये खुद ब खुद ये मनोहर कहानियां बनाते हैं, अब एक एक करके इनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। आप गूगल कीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आम आदमी पार्टी को खाली करना पड़ेगा, उसका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट जिसको थैंक यू बोल रहे थे जब इनको मोहलत दी गई है कैंपेनिंग के लिए, अब कहते हैं हमको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्टेड तो है ही अरविंद केजरीवाल जी, अब कितनी बार उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनकी जगह तो जेल में ही है। चौथी बात, ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल जो है जो कुछ कह रही है वो राजनीति से प्रेरित है, कोई एविडेंस है? शूट एंड स्कूट की तो पुरानी आदत इनकी है भाई साहब की, ये तो पुरानी आदत है, तो अब माफी तक मांगी है इन्होंने, दुनिया भर के झूठ बोले हैं, तो और कोई एविडेंस है? आतिशी को नोटिस दिया गया है जब उन्होंने कहा था ना हम मुझे खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है और हमको पैसे दिए जा रहे हैं प्रलोभन, अभी तक मुंह नहीं खुला उनका आतिशी जी का, चुपचाप दुम दबा के भाग गई वो, और उसमें साफ साफ वो कह रही थी हमें पैसा दिया जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन मिल रहा है, कुछ तो प्रमाण होंगे। हाँ। ये वही केजरीवाल हैं कि अगर कुछ भी हो रिकॉर्ड कर लो, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। ठीक है, अच्छा एक और जरूरी चीज, अब दो वीडियो उन्होंने लीक किए हैं। हाँ। दो वीडियो लीक कर रहे हैं शिरीन जी, नहीं सुन लीजिए, जरूरी बात है ये, पूरा खेल इनका मैं आपको एक्सपोज कर देती हूँ। तो दो वीडियोज के बीच में क्या हुआ और पहले वीडियो से पहले क्या हुआ, वीडियो के अंदर फ्रेम्स क्यों मिसिंग है, क्यों उनकी एडिटिंग हुई है, इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इस पर अच्छा दूसरा सवाल, सीसीटीवी जो दिया गया है दिल्ली पुलिस को, सुनिए आखिरी बात, सीसीटीवी जो निकाला गया है यही बात है, जो सीसीटीवी जो दिया गया वो ब्लैंक है, तो सीसीटीवी क्यों हटाया गया, क्यों डिलीट किया गया, ऐसा क्या है? विभव ने अपने पूरे फोन को 14 मई को क्यों रिफॉर्मेट कर दिया? जवाब लेंगे, लेकिन एक एक कमेंट ले लें पहले सबसे। प्रेम कुमार जी, आपके पास आते हुए कि क्या अब ये दिल्ली का जो पूरा सियासी संग्राम है ये मालीवाल के ही नाम पर अब लड़ा जाएगा और आगे, अब क्योंकि वक्त भी नहीं बचा, चुनाव भी बेहद नजदीक है? देखिए स्वाति मालीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा जाए ऐसा तो बीजेपी की चाहत हो सकती है, आम आदमी पार्टी क्यों चाहेगी कि स्वाति मालीवाल के नाम पर चुनाव हो? और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जी अगर चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो इसका एक लॉजिकल वजह है, इसकी वो वजह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं चुनाव की में सीमित भूमिका के लिए, अभी वो कैदी ही हैं, जेल से बाहर हैं,
तो इस दौरान किसी गैर चुनावी कार्य में अगर वो लिप्त होते हैं तो उनको दोबारा जेल भेजने का एक खतरा बना हुआ रहेगा। तो इस कारण से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है और इस मसले पर वो कुछ बोलना नहीं चाहते और हमें ये लगता है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो जरूर प्रतिक्रिया देंगे और उस पूरे प्रकरण को उन्होंने इस रूप में बताया है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी टारगेट कर रही है, उसके तमाम नेताओं को बारी बारी से जेल भेजा जा रहा है और अभी जो घटनाएं घट रही है वो भी उसी सीरीज की अगली कड़ी है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड हमें दिख रहा है, लेकिन इंडिविजुअली इस केस पर अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसका कारण वही है, कुछ भी बोलने का मतलब है कि कोई एक षड्यंत्र या साजिश प्लॉट हो सकता है। संवेदनशील है, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो संयोजक हैं, और अगर वो इस मामले पर नहीं बोलते तो प्रश्न भी उठता है। मैं एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का भी इस पर कॉमेंट ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास। हर्षवर्धन जी, शिरीन, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि बेहद निंदनीय अभद्रता हुई है, बदतमीजी हुई है, उसके बाद कैसे, मतलब पार्टी के लोगों का तो चलो समझ में आता है, पत्रकार के तौर पर कोई उसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के घर में एक नीच कर्म हुआ है, इससे छोटा शब्द नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद उसको बचाने के लिए पूरी पार्टी, देखिए पार्टी तो समझ में आता है, लेकिन कमाल की बात यह कि पत्रकार भी उसमें शामिल हो जाए, उसको बचाने की बात कहें, और अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? भाई ये मामला स्वाति कुमार बनाम विभव कुमार नहीं है, आप इसको अच्छे से समझिए, इस बात को आप समझिए कि कोई भी पीए उसकी हैसियत क्या होती है, किसी सरकारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है, अथॉरिटी होती है, जो भी आप कह लें, उसमें क्या कोई अथॉरिटी, कोई हायरार्की उसकी होती है क्या? उसकी हायरार्की, उसकी अथॉरिटी, उस पूरे सिस्टम में कौन तय करता है? जिसका वो पीए है, यानी अरविंद केजरीवाल तय करते हैं। और आज तो कमाल हो गया, ऐसा धरना प्रदर्शन तो मैंने देखा ही नहीं था, हास्य के पात्र बन गए हैं। आम आदमी के साथ लोगों का जुड़ाव इतना कम हो गया है कि लोग उनको आज नहीं मिले, और यही वजह थी कि धरना आधे घंटे में खत्म करना पड़ गया, और ये कह रहे हैं कि हमको गिरफ्तार नहीं किया इसलिए हम जा रहे हैं। गिरफ्तार तो पहले भी नहीं किया था, गिरफ्तार करने की जो बात थी वो अंत में कहां से आती है? न्यायालय से आती है। कौन तय करता है? एजेंसी न्यायालय के सामने प्रमाण रखती है, ठीक है। जेल से अंतरिम जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति इस तरह से अदालत की अवमानना कर रहा है, ये उचित? प्रेम जी, इस पर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास। जो बोल रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, जो बोल रहे हैं कि एक पत्रकार किसी को डिफेंड कर, देखिए यहाँ न तो हर्षवर्धन जी किसी को फंसा रहे हैं, न प्रेम कुमार किसी को बचा रहे हैं, ये बात समझिए। घटना का दो पहलू है और उस पहलू पर, विभिन्न पहलू पर बात करना जरूरी है। भाई जो हाईएस्ट चीज हो सकती है किसी घटना के बाद, जांच की, एक्शन की, वो हो रही है। इसको ऐसी घटना नहीं है कि हाथरस वाली और दूसरे तमाम घटना जिसमें कि सरकारी पक्ष में खड़ी हो जाती है और बचाया जाता है। देखिए प्रेम जी, एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात करते थे, महिलाओं की बेटियों के सम्मान और उनकी इज्जत की बात करते थे, निर्भया कांड की बात करते थे, वो अपनी पार्टी के नेता, महिला नेता के बारे में अगर ना बोले, एक शब्द उनके मुंह से ना निकले, तो ये तो फिर सवालों के घेरे में आता है ना। आप भले इसे लेकर एक अलग लॉजिक दे। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था, हर्षवर्धन जी ने जिक्र भी किया कि ये घटना निंदनीय है, यानी घटना तो हुई, दुर्व्यवहार भी हुआ, क्वांटम ऑफ मिसबिहेवियर क्या है इसको लेकर के जरूर मतभेद है और बातें हैं, तो इसके पीछे कुछ प्लॉटिंग है, कुछ षड्यंत्र है, उसको आम आदमी पार्टी बोल रही है, तो हम आउटराइट रिजेक्ट कर दें कि आम आदमी पार्टी सब झूठी बोल रही है? अरविंद केजरीवाल का बोलना मुमकिन नहीं है, बोलेंगे, ये लोग चाहते हैं कि बोले, उनके राजनीतिक दुश्मन चाहते हैं कि वो बोले और किसी तरह से एक मामले में फंसा के उनको दोबारा जेल भेजा जाए, ये हम कह रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं, मतलब ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन है कि वो इस मामले पर नहीं बोल सकते? ऐसा कोई नियम कायदा तो नहीं है ना कि अपनी पार्टी के नेता के, मैं ये नहीं कह रही कि उनके समर्थन में, लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझकर तो कुछ बोला जा सकता है ना। बहरहाल मैं आदिल जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि यही मामला बीजेपी भी उठा रही है। शाजिया जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस पूरे मामले पर केजरीवाल की चुप्पी कहीं आप लोगों की परेशानी इनको बढ़ा ना दे। देखिए, कोई चुप नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने दो तीन प्रश्न पूछे, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। दो तीन सवाल थे उनके। कहा गया कि जी सीसीटीवी क्यों डिलीट किया गया? देखिए, हम सारे लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहां जो सीसीटीवी लगा है वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी सीसीटीवी कब डिलीट किया या भारतीय जनता पार्टी कह रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी डिलीट किया,
तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दो वीडियो आए हैं, उन दोनों वीडियो में स्वाति मालीवाल जी पहली वीडियो में सोफे पर आराम से बैठी हैं, दिल्ली पुलिस के लोगों से बदसलूकी कर रही हैं, विभव कुमार जी को गालियां दे रही हैं, आप उनके साथ उनके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करिए आप सब जानते हैं, जानते उन्होंने हम कहा कि हमने 112 नंबर डायल किया है, सबने देखा है, उन्होंने कहा 112 नंबर डायल किया है, पुलिस अभी आ रही होगी। जिस आराम से वो बेडरूम ड्राइंग रूम में बैठी है, कोई आदमी पिटने के बाद, कोई व्यक्ति पिटने के बाद क्या इतने आराम से बैठता है, एक बात। दूसरी बात, दूसरा वीडियो जो आया उसमें वो घर से बाहर निकल रही है, कितने आराम से निकल रही हैं, पुलिस वाले पुलिस दिल्ली पुलिस ने खुद ही वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि इस बात की आशंका तो उस जांच, तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप से भी जताई गई है कि सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है, वो वीडियो वो पेन ड्राइव जो बयान दे रहा हूँ कि झूठ, मैं जवाब दे दूं, देखिए आ रही हूँ शर्मा जी, एक सेकंड जी, मैं इनका पर्दाफाश करती हूँ, अगर किसी को झूठ बोलना हो, अरे साजिया जी चुप हो जाइए, आप भी ऑपरेशन लोटस से गई हैं, क्या जवाब देंगी आप, जब ये इंसान को, जब किसी को झूठी बोलना हो और बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, आपका तो ऑपरेशन दारू है, अरे आप ऑपरेशन लोटस वाली हैं, आप क्या बात करेंगी, आपको कौन पहचानता था, आम आदमी पार्टी में ना ही होती तो आपका कोई नाम तक ना जानता, अरे जिस चैनल ज्ञान दे रही है, कौन आपको जानता था, अरे कौन आपको जानता था, कौन आपको जानता था, इसी चैनल से, जिस चैनल पे बैठे हैं, केजरीवाल की वजह से लोग आपको जानते हैं, पर्सनल होने की बजाय फैक्ट से बात कर लीजिए बेहतर होगा, लोग आपको जानते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ लोटस करके आप कहां गई हैं, इसके बाद बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, इसके बाद बोलिए, आपके बीच में तो नहीं बोलता था, आपके बीच में तो नहीं बोलता था, एक एक करके आपके बीच में, इसके बाद में बोलती हूं, आपके बाद में पूरा कीजिए, फटाफट पूरा कीजिए, मैं आपके बाद बोलूंगी, बोल लीजिए, अरे भाई बोल दो, अरे भाई क्यों बोल कर रहे हो, बोल दो ना, बोल दीजिए ना भाई साहब, समा के बांध रहे हैं, अरे बोल दीजिए भाई, क्यों क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वीडियोस के बीच की फुटेज कहां गया, जवाब दीजिए, अरे कितना मजबूर हो के आप वहां गई थी, आपको कौन जानता था, अरविंद ऑपरेशन दारू वाले, ऑपरेशन दारू वाले ना बोले, आपका नाम ऑपरेशन दारू वाले ना बोले, आपका नाम तक कौन, मैं जवाब दे दूं उसका, आदिल जी जवाब दे दूं, आज हम स्वाति मालीवाल में जवाब बात कर रहे हैं, मेरी कोशिश है और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, उसी पर रहिए प्लीज, आप कौन है, क्या है, उसका सर्टिफिकेट मत बांटिए आप लोग प्लीज, अच्छा ठीक है आदिल जी, आप सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं सबूत, मैं जवाब दूंगी आपके बाद, शाजी मुझे वक्त देंगी आप, नहीं आप मुझे वक्त देंगे, आप मुझे मेरी बात शिरीन जी मुझे बोलने दीजिए, शिरीन जी मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, ये बोल नहीं पा रहा है, आपने अभी आपके बस बात नहीं, बोल रहा था पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोल रहा था, आपको मैंने मौका दिया, आप सुन लीजिए, बोल लीजिए भाई साहब, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं इस मामले को, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं, प्लीज अभी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी शाजेल में, अच्छा नहीं 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 ऐसे थोड़े होगा, शिरीन जी मैं बोल रहा था, तो जिस चैनल पे आप अभी हैं, जिस चैनल में भाई साहब बोल रहे, अरे शिरीन जी मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, आप मैं चुप हो जाऊंगी, नहीं आप बहुत लंबा बोले, जवाब नहीं दे पाए, शिरीन जी जिस चैनल पे आप अभी हैं, जिस चैनल पे भाई साहब चीख चिल्ला रहे हैं, इसी चैनल की मैं एंकर रही हूँ, डेब्यू एंकर रही हूँ, सब लोग जानते थे मैं कौन थी, इनको किसी को कोई नहीं जानता था, और पूरी दुनिया जानती थी मैं पत्रकार रही हूँ, सब छोड़ छाड़ के इनके पास आई हूँ, तो झूठ ना बोले आदिल भाई, आपको पता नहीं आप कहाँ से आए हैं, तो जो अपने बारे में आप सोचते हैं वो औरों पर प्रोजेक्ट ना करें। दूसरी जरूरी चीज, उन्होंने दो वीडियो दिखाए हैं, वो तो मैंने भी कहा ना, अब वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबने देखा है हजारों बार, उस वीडियो से पहले क्या हुआ, उन दो वीडियो के बीच में क्या हुआ, उन वीडियो के अंदर एडिटिंग जो है फ्रेम्स की मिसिंग है, इसका जवाब देना, और पूरी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, अच्छा आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कर दी है, तो आप बताइए जब अंशु प्रकाश की पिटाई की थी वहीं पे शीश महल में, तो आप बताइए वो फुटेज भी आप कह रहे थे गायब है, लेकिन अमानतुल्ला और प्रकाश जरवाल को जेल हुई, तो कितना झूठ बोलेंगे भाई साहब, ये पहली बार थोड़ी ना मार पिटाई कर रहे हैं, अब मेरा ट्विटर में चले आए, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने तो खुद बोला है कि उनके साथ हाथापाई हुई है, लहू लुहान कर दिया उनके जो अजीजी हैं, अजीज हैं रमजान भाई को, तो आप क्यों झूठ रहे हैं आदिल भाई, पता नहीं आप कब आए हैं भाई साहब, लेकिन सच में थोड़ा अपने आप ज्ञान वर्धन कीजिए, इसका जवाब मैं आदिल जी आपसे लूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहीं से इस डिबेट को फिर आगे भी बढ़ाएंगे, आदिल जी इसका जवाब आप दीजिएगा। तो स्वाति मालीवाल पिटाई मामले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई है, जो संग्राम है दोनों के बीच का, वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और मार्च की भी तैयारी थी, जिसे लेकर कई बड़े आरोप भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी घेराबंदी कर रही है,
आम आदमी पार्टी की, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आदल, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ये आरोप आप पर लगा रही है कि देखिए पूरी पार्टी एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई दिल्ली में। देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो तीन बात कही, मैं उनसे सिर्फ दो बात पूछना चाहता हूं, हालांकि मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा था पर वो पर्सनल हो रही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप प्लीज आप पर्सनल मत होइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, शामिल कर लो क्योंकि समय भी कम है, तुम हम कोशिश कर रहे हैं मुद्दे पे पर्सनल होना चाह रहे हैं। आरके पुरम से टिकट किसने मांगा था? आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं मुझे जवाब देने दीजिए। आप जवाब दे कर रहे हैं? अरे आप पर्सनल हो, आप तो जवाब का दे रहे हैं, कौन जानता था? जवाब है नहीं आपके पास, जवाब आपके पास है, आप किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए क्या, आप किसकी पहचान क्या है, किसकी पहचान क्या, आप सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हुए हैं? देखिए बिरभूषण सिंह के मामले में जब स्वाती मालीवाल को घसीटा जा रहा था तो ये चुप बैठी थी, बिरभूषण के मामले में क्योंकि कोशिश हमारी है कि हम मुद्दे पर बात करें। नहीं आदिल, अब आप प्लीज शांत रहिए। हर्षवर्धन जी, शिरीन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया जी। हर्षवर्धन जी, इस पूरे मामले पर हमारी चल रही है, इस पूरे मामले जी पर मिल रही है, लेकिन मतलब बहस तो हो नहीं रही है, ये तो कुछ मतलब जी आप बोलिए बोलिए सर, सुन रही हूँ मैं, बोलिए, थोड़ा डिले है सर, शायद इसीलिए दिक्कत हो रही है। हाँ आप कुछ क्या, आप सवाल सर, सवाल यही है कि अब इस पूरे मामले पर क्या घिरती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी, चर्चा क्या होनी थी? और नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के व्यवहार से दिख रहा है। शाजिया इल्मी को कौन जानता था, या कौन आपको जानता है, हमें जानता है, प्रेम कुमार को जानता है, इससे क्या मतलब है? ये एक महिला जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के घर में ये सब हुआ है, आम आदमी पार्टी इसे स्वीकार कर चुकी है। और जो प्रेम जी ने कहा उसको मैं आगे बढ़ाऊं, कितनी बदतमीजी हुई है, क्या हुआ है, कौन सा झूठ है, कौन सा सच है, ये सब तो जांच के बाद आएगा। या उसका एक तरीका और है जो ज्यादा आसान है, वो क्या तरीका है? अरविंद केजरीवाल इतनी बातें करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब कुछ बता दें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है, वो वीडियो बाइट देते हैं, तो वही वीडियो बाइट वो जारी कर दें, वो बता दें कि क्या क्या हुआ है। मुझे लगता है कि अपने आप सारी बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है, उनके दामन पर दाग है जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है। ठीक है सर, चलिए ये तो जांच का विषय है। प्रेम जी आप इस पर कुछ कहेंगे? मेरा कहना है कि ये बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी तो ये अच्छी बात होती कि ऐसा होता, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कुछ विशेष हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए बोलना वाकई मुश्किल है, खासकर तब जबकि उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ बड़ी प्लॉटिंग की तैयारी हो रही है, इसलिए तो मामला ही शांत हो जाएगा। नहीं, ना, बोलने जब में जब, जब कोई मामला सब जुडिस हो जाता है, जानकारी न्यायालय के अधीन चला जाता है, जांच के अधीन चला जाता है, तो उसमें बोलिए बोलिए वाली जिद खत्म हो जाती है। बोलते तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, इस पर आगे बात हम करेंगे। और देखिये स्वाति मालीवाल केस में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चीजें भी निकल कर आ रही है और इस पर सियासत भी जोरों पर है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी कुछ जो है वो गायब हैं, वो पूरी तरीके से सामने भी नहीं आ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और शाजिया मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले पर एक लाइन पर है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज सड़कों पर उतर कर यही कहा जा रहा है कि दरअसल आप लोग इतना डर गए हैं कि आम आदमी पार्टी के वजूद को ही मिटाने पर तुले हुए हैं, एक एक कर गिरफ्तारी भी, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी ना बचे।
जी देखिए, जब से आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो शीला दीक्षित के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, तो कांग्रेस के पीछे पड़े रहते थे और उन्हीं कांग्रेस की गोद में बैठ गए जाकर। अब क्योंकि पहले तो सीएम बन गए, अब क्योंकि भाजपा है सरकार में तो उनसे लड़ना है। तो आप देखिए एक एक करके इन्होंने कितने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक को भी साबित नहीं कर पाए। आतिशी को तो हम लोगों ने नोटिस भेजा है, लेकिन उसके अलावा बताइए अगर कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण इस बात का है कि किसी तरह से स्वाति मालीवाल का कुछ लेना देना है ना, तो याद ये कहना चाह रहे हैं कि 20 साल पहले भाजपा ने बहुत सोचकर स्वाति मालीवाल को प्लांट कर दिया इनके एनजीओ में, और करीब 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में स्वाति मालीवाल को एक प्रोमिनेंट रोल दिया। या तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत ही सोच समझकर इनसे कहा कि DCW का इसको हेड बनाओ, और भाजपा ने ही कहा केजरीवाल पर प्रेशर डालकर ये जो स्वाति मालीवाल है ना इसको राज्यसभा का सांसद बनाओ। तो बहुत सोच समझकर 20 साल से भाजपा तो ये काम कर रही होगी, और अगर नहीं कर रही है और इनको लगता है कर रही है, कुछ सबूत कुछ तो होगा कहने को कि बस बोलते रहो। 3 LGs आए हैं, तीनों को उन्होंने गाली बकी है, चीफ सेक्रेटरी को मारा है, जिस चीफ सेक्रेटरी को मारा पीटा है अंशु प्रकाश को, वो पूरे प्रमाण है, वो चार्जशीट हुए हैं वो लोग। योगेंद्र यादव को मारा कूटा है इन लोगों ने। आप जवाब क्या बात करते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आदिल खान खातापाई बहुत कॉमन चीज है, आरोप लगाते रहेंगे या फिर कुछ सबूतों के साथ भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आपके हाथ खाली हैं, हवा हवाई दावे हैं आपके और सारे आरोप भी। देखिए दो वीडियो अभी सामने आया है, उन दोनों वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ पता चलता है कि एक बड़ी साजिश है। स्वाति मालीवाल जी जो FIR कराती हैं उसमें उन्होंने कहा कि उनको पीटा गया, उनको चोट आई, वो चल नहीं पा रही थी, उनको दर्द था, और वो सोफे पर बैठी हैं और वे कहते हैं कि हमने 102 को कॉल किया है। जब दिल्ली पुलिस के जवान उनसे कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए, तो वो कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, सोफे पर आराम से बैठी हैं। इससे साफ है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। दूसरी बात, जब वो निकल कर बाहर जाती हैं तो आपने देखा कितने आराम से चल के जाती हैं। अगर किसी को पीटा गया, उसको चोट आई, वो चल नहीं पा रहा है, और दिल्ली पुलिस के एक महिला जवान को किस तरीके से धक्का देती हैं। तीसरी बात, 3 दिन बाद जिसको इतना पीटा गया हो, इतनी चोट लगी हो, जो चल नहीं पा रहा हो, जो दर्द से तड़प रहा हो, वो 3 दिन बाद मेडिकल कराने जाता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, 3 दिन बाद उन्होंने मेडिकल कराया। इससे साफ जाहिर है कि स्वाति मालीवाल जी एक बड़े साजिश की हिस्सा हैं, एक बड़े साजिश को उस दिन मुख्यमंत्री जी के आवास पर अंजाम दिया जाना था, और इस पूरी साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का साथ है। वो इसलिए कह रहा हूं कि अभी साजिया जी ने 2-3 शब्द बोले, ये वही शब्द हैं जो स्वाति मालीवाल जी के सहयोगी ट्वीट कर, सुन तो लीजिए, ये वही शब्द हैं जो स्वाति मालीवाल जी के सहयोगी ट्वीट करके बताते हैं, वही शब्द आप बोल रही हैं। मैं सबूत दे रहा हूँ, जो आप सहयोगी ट्वीट करके कह रही है, आपके चिल्लाने से नहीं होगा, सबूत सुन लीजिए। आपने जो बोला क्या बोला, वही बोला। नहीं नहीं, क्या बोला मालीवाल जी, क्या बोला, ट्वीट कर रहे हैं, क्या बोला, उसी ट्वीट को आपने चैनल पर लाके पढ़ दिया, वही जो मैं कह रहा हूँ वो तो आपको सुनाई दे रहा है। क्या बोला, दिक्कत आपकी है कि आपका दर्द पुराना है, आपका दर्द पुराना है, ऐसा क्या बोला, नहीं नहीं चाहती सबूत जो हो गया, ऐसा क्या बोला है। आपने जब स्वाति मालीवाल जी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तभी तो आप पार्टी छोड़ के गई थी, तभी तो आप पार्टी छोड़ के गई थी। आपने जो बोला वही बोला जो स्वाति उससे बहुत पहले चली गई थी। भाई साहब आप बहुत कंफ्यूज हैं, शायद नए नए आए हैं चैनल पर, भाई साहब आप बहुत नए नए हैं, तो देखिए मेरी फिक्र ना कीजिए, मैंने जो किया है मैं आम आदमी बनाने में जो मैंने किया है आप सोच भी नहीं सकते। कंफ्यूजन मेरी बात ना कीजिए, मुझे असलियत मालूम है, आम आदमी आप जैसे बदमाशों की असलियत में जानती हूँ, ये आप लोगों की बदमाशी के आधार पर एक दूसरे आप लोग पर्सनल कमेंट से बच्चे हैं। कौन बदमाश है पार्टी, हम सबूतों की बात कर रहे हैं तो आप कहाँ पहुँच गए दोनों पे, ठीक है ठीक है। आदिल खान शाजियाल आपको रोकती हूँ, मैं आऊंगी आपके पास, लोकसभा सांसद जो आदिल खान यहाँ पर कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाई जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन झाड़ू चल रहा है, कितना दम नजर आता है इस बात में। देखिए हमें भी ये घटना सिंपल घटना नहीं लगती है और इसका तुरंत रीजनिंग चूंकि सामने नहीं आ पाता है इसलिए तरह तरह से अटकल लग रही है। और अभी शाजिया जी कह रही थी कि भाई 20 साल पहले तो कोई प्लांट नहीं कर सकता, 15 DCW तो प्लांट करके नहीं बनाया जा सकता,
देखिए शाजिया जी, नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, मगर ये भी सच है कि बीते 10 साल में कितने राज्यसभा के सदस्य जो विपक्ष में थे उनको इस्तीफा दिला के दोबारा बीजेपी से राज्यसभा में बुलाया गया। पूरे इलेक्शन, पूरे देश में पोचिंग इलेक्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं की हुई है, तो ऐसे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है ये हम दावा भी नहीं कर सकते। हम इंतज़ार करते हैं कि इस घटना में और क्या सच आएंगे, जांच हो, सच सामने आए, और पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी को जो स्टैंड लेना है वो ले रही है, और बीजेपी को भी जो स्टैंड लेना है, नारी के पक्ष में आवाज़ उठनी चाहिए, भाई न्याय मिलना चाहिए। हम ये बात नहीं मान सकते आदिल जी की कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ ही नहीं है, हुआ तो है, तभी तो मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट तो लगी है, कुछ तो हुआ है, एकदम से खारिज अगर होता तो संजय सिंह भी क्यों बोलते। इसलिए बोलते हैं कुछ घटना हुई है, यह जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर ऑपरेशन झाड़ू, और यहां तक कह देना कि अब तो हमारे बैंक अकाउंट भी सीज होने वाले हैं, पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी आप, क्योंकि ये बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में। देखिए शरीन जी, मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में केस स्टडी है, शोध का विषय है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ही बताते हैं कि अब हमारे ये नेता फंसने वाले हैं। ये पहली पार्टी होगी जिसको अदालत के कहने के बाद, हाईकोर्ट की हियरिंग अगर लोगों को ध्यान में हो, जब कहा गया कि पार्टी को पैसे मिले हैं रिश्वत वाले, तो हाईकोर्ट ने पूछा तो आप उनको पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं, तो वकील ने कहा हम उनको पार्टी बनाएंगे। अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों इसमें पक्ष हो गए। अब सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष हो गए हैं तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, कि कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म कर रही है। मुझे कंप्लेंट करने दीजिए, आती हूं, आप अपनी बात रख लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं पहले हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं। हां बोलिए, क्या तरीका है, बोलिए बोलिए हर्षवर्धन जी, आम आदमी क्या सीख कर आते हैं, मतलब मैं तो चुप रहता हूं, आपके आप बीच बोलने की आदत है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं बोल रहे हैं न्यायालय तय करेगा, एक एक प्रमाण एक एक तथ्य उसके सामने है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो यार, कोई ईडी की चार्जशीट में है तो उसके लिए निश्चित तौर पर मुश्किल है, उसको कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए नहीं मिल रहे। ठीक है आदिल, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर, कौन सी बात आपको सही नहीं लग रही है, झूठ लग रही है। हर्षवर्धन जी को नॉलेज, मैं देखिए पहले ही अभी इन्होंने कहा इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, भाई साहब पहले पता कर लो कि हमारे विधायक और पार्षद ही नॉलेज, अभी रामलीला मैदान की रैली आप भूले नहीं होंगे उस, अरे नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ा लीजिए, वरिष्ठ लिखने से वरिष्ठ नहीं हो जाता, कोई नॉलेज बढ़ाइए। हमने ऐलान किया था कि हमारे विधायक, अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपकी बात बड़ी धैर्यपूर्वक सुना, हमने ऐलान किया था कि हमारे, अरे सुन लीजिए, आपकी दिक्कत यह है कि आप लोग सुनते नहीं है, ये आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग बोलते हैं सुनते नहीं है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। देखिए देखिए हमने आज ऐलान किया था, अरे यार सुन लो भाई साहब, पहले बताइए हर्षवर्धन जी, आप सुन लीजिए कि हमारे विधायक गलत हमारे बढ़ाने वाले, ठीक है ठीक है, ये गलत बात है हर्षवर्धन जी, आदिल जी बोलिए, ये गलत बात है हर्षवर्धन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में बोले थे लेकिन मैं उनको भी बीच में नहीं बोलने दे रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है हर्षवर्धन जी सुन लेते हैं पूरा प्लीज, अरे रुक जाओ भैया, क्या है क्या बीमारी है, अरे बात हो तो पूरी करें ना। हमने ऐलान किया था कि हमारे विधायक और पार्षद ही आएंगे और उतना ही आए थे, आपको पता नहीं किसने ज्ञान दे दिया कि इसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, अरविंद जी ने कहा था कि हम आधे घंटे वहां रुके और आधा घंटा रुके हम वापस चले आए, आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है। एक बात, दूसरी बात, जो झूठ बोल रहे हैं बैठकर साजिया जी, अब आपकी दिक्कत का क्या किया जाए, साजिया जी आपकी दिक्कत यह है कि आप आई थी मांगने की भैया पार्टी में लो, शामिल कर लिया, फिर आई बोली आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको टिकट दे दिया, फिर वहां ऑपरेशन लोकस से भाग गए, ऑपरेशन लोकस से भाग गए, रखना चाह रहे हैं एक मिनट का टाइम है तो जल्दी से अपनी बात पूरी कर लेंगे तो बेहतर होगा, बार बार एक ही चीज पर चले जाते हैं आप इनको, ठीक है जल्दी से फटाफट, पर्सनल अटैक वही करता है जिसके पास कुछ और शाजे प्लीज, शाजे प्लीज, इसीलिए पर्सनल अटैक, आप चुप बोलने तब तो बोलेंगे ना, मैंने आपको निरस्त कर दिया है, जब झूठों को चुप कराओगे तब तो बोलेंगे ना। आदिल खान आप बोलिए अपनी बात रखिए, आपका समय है, आपको बोलने के लिए कह रही हूँ, आप बोल नहीं रहे हैं, है ही नहीं कहने को कुछ।
देखिए ईडी के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनके अकाउंट को सीज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अगर अभी किया तो इनको चुनाव में सिंपैथी मिलेगी, हम चुनाव के बाद इनके अकाउंट को सील करेंगे। तो वही हम कहते हैं कि ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है। अच्छा, हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया कोई नई बात नहीं थी, मुझे लगा शायद आप कुछ नई बात बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को भी। वक्त इतना ही था, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस खबर पर भी नजर लगातार एबीपी न्यूज की बनी हुई।